I was nobody at that. No, time. but when the film must come out, everybody would know. मामू so <laughs> तो तो अच्छा, का तो मैं फोन भी।, भी आया और बहुत सारे लोग भी आए और मेरे घर सारे ऐसे है जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं तो सब बेटा आप ठीक हैं सब सही है जी सही है तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया लेकिन खैर फिल्म हो गई फिल्म हो गई एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टूक द डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली एंड विच ऑज माई मदर एंड माई सिस्टर सो आई थिंक एट दैट टाइम थिंग्स कैन चेंज फॉर मी एंड इट वॉज नॉट लाइक मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे नथिंग इट वॉज जस्ट के एक ऐसे कोई तल्ख कॉन्वर्सेशन थी क्योंकि ऑफकोर्स इन फैमिलीज यू नो समाइम्स गेट हीटेड ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन थी एंड आई जस्ट आई सेट इट्स फाइन आई कैन टेक माई फैमिली यू डोट है ऑफकोर्स इज्जत पे बात आ जाती है कि हमारे घर की बेटी है वो है वो सो आई डि दैट एंड वो दिन और आज का दिन बट व्हाट कैप यू गोइंग थ्रू दैट टाइम हम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में ऐसी लड़कियों की कहानियाँ देख रहे होते हैं वो इज्जत पे बात आ जाती है और आ आके हम यही देखते हैं कि ऐसी लड़कियों के जो एस्परेशन होते हैं जो खाव होते हैं उनको दबा दिया जाता है बस वो रेलीगेट हो जाती हैं घर की चार दीवारी के अंदर जब आप पे पर्सनली ये टाइम आया वट कैप यू मोटिवेटेड यू गोइंग और जब आपकी क्लोजस्ट सपोर्ट सिस्टम आपका आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया कुछ भी नहीं वन डे एट आर टाइम एंड थोड़ी सी स्टबेंट मैं शुरू से थी और आई वाज अम्मी ने बहुत स्ट्रांग अपब्रिंगिंग की है हमारी वेरी टफ सो आई जब मैं कोएड में भी जा रही थी तो अम्मी ने कहा था लड़के कुछ नहीं होते ये भी ज़्यादा कुछ नहीं होना बिकॉज आई शू बिन ऑल गर्ल्स को सो अम्मी बहुत उस तरह की थी कि बेटा सही काम करना है सही चीज़ करना है जब सही करिए तो डरना नहीं है सो mm. you know? so, वो जब अप्रिंगिंग होती है आपके अम्मी आपकी इतनी स्ट्रांग होती है यू नो शी सीन सो मच इन लाइफ एंड स्टिल यू नो शी लवस एंड एवरी थिंग सो जब ये सब कुछ देखा होता है सो so आप वैसे ही बड़े टफ होते हैं एंड लाइक आई सर आई सीन आइट सीन अ बैड मैरिज माई पेरेंट्स मैं शुरू से थोड़ी टफ थी Uh, समझ थी मुझे इमोशंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मुझे पता था बट इन दैट मोमेंट आई टेल्यू इट वॉज मैजिकल इट वॉज ए वॉज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल मोमेंट्स वेयर आई सेड यू नो आई डोंट वॉन्ट डू इट एंड आई फेल्ट एम्पावर्ड एंड उसके बाद मैंने वीक नहीं फील किया आई टू केयर ऑम माई फैमिली थ्रू आउट एंड आई स्टिल डू मेरी बहन इज एज वोल्ड एज आई वॉज एट दैट टाइम राइट नाउ एंड आई रन टू हाउस एंड आई एम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कंधो पे आके गिर जाए तो एक आम बच्चा बच्चे ही है ना उसमें तो सत्रह अठारह साल की उम्र में क्या इंसान होता है एक आम बच्चा तो नहीं सस्टेन कर सकता अपने आप को बड़ी स्पेशल yeah, ये बड़ी वाकई में बड़ी आ, बड़ी एक, एक बात है बाकी अल्लाह देने वाला तो इसीलिए माशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए रास्ते भी खोले और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती थी yeah. अम्मी का उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब ये हुआ उन्होंने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी वजह से

आई रिमेंबर शी जस्ट लुक एट मी एंड विद कॉन्फिडेंस लुक एट मी एंड शी स्टेड एट मी एंड शीज लाइक ओके मैं कह रही हूँ फिर सर ओके एंड ईट वॉज जस्ट साइलेंस इट वॉज मैजिकल इट वॉज़ जस्ट साइलेंस एन आज लाइक अब क्या करना है अब क्या करूँगी अरे मैम मेरा एक दोस्त है बिलाल हम बैठते थे हम पॉकेट मनी जितने भी पैसे मिले थे हम ढूंढ रहे होते थे अच्छा ये ईशा की फीस चली जाएगी ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा मैंने बहुत फन तरीके से सारे टफ टाइम्स गुजारे हैं आई लाइक हाउ टू मेक हाउ आई कैन मेक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फन मैं खुशी खुशी कर जाती हूँ। अब क्या हालात है वो जो फैमिली लोग थे अब आधे हैप्पी आधे वो भी दोस्तियां हो गई सही है

जाना के बाद आपने आई थिंक तितली किया ड्रामा <laughs> आ, फिर आपकी एक तो अब हर प्रोजेक्ट में इस तरह आपकी हसियां निकलती रहेंगी जी क्योंकि असल में फिल्म करने के बाद मुझे था मैं तो सिर्फ फिल्म्स करूंगी मैं तो सिर्फ फिल्म्स करूंगी ड्रामा एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड वो मेरे अंदर का एक्टर भी जाग गया जानान के पहले सीन में जाग गया था कि ओए ये तो मजा आ रहा है hmm. ये क्या है तो तितली मैंने किया ही इसलिए था क्योंकि आई वाज लाइक नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा मजा आएगा तो इसलिए मुझे अब सोच कैसे आती है तो वो वो टेलीविजन की तरफ जब आप आई उर्दू वन पे ऑब्वियसली तितली चला उस वक्त द यू नो द बिग प्लेयर्स द एआरवाईज एंड द हम टीवीज एंड लाइक यू नो द जियोस उस तरफ नहीं आपने सोचा गया मेरा पहला प्ले था हम टीवी का इट वाज कॉल्ड फिर वही मोहब्बत तितली पहले नहीं आया था नहीं

So Ono she took me over, you know, I signed a contract with her. So I did two dramas with her, I did a film with her. Um, and I'm not gonna shy away from saying that she actually took care of me like her own. Jesse um लेबल नहीं साइन करते hmm. so yeah. उस तरह मेरी पहली वॉक उन्होंने कराई थी मुझे so really like so ये तो बड़ा अच्छा हम तो अक्सर बात करते हैं हमारे जो यंग एक्टर्स जब इंडस्ट्री में आते हैं उनको मैंटो करने के लिए कोई होते ही नहीं है hmm. ना उनको ये बताने के लिए गाइड करने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो उस तरह से एजेंट या एजेंसी तो है नहीं कि जो बताए कि बेटा अच्छा आप ये गलत कर रहे हो ये सही कर रहे हो ये सही लोग हैं इनके साथ काम करो ये गलत लोग हैं इनके साथ मत काम करना hmm. तो यहाँ पे तो वही है ट्रायल बाय एरर या ऑफ कोर्स ऐसे ही है um, मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं ऐसे किया था मुझे कहा था ये काम है ये करना है ये काम है ये करना है ये काम है ये करना है बस मुझे सही काम पे मुझे दे लेट मी फॉल इन टू बैड हैंड्स दैट्स गुड या आई हैव वेरी वेरी लकी बिकॉज आई मीन आई डोंट नो पीपल स्ट्रगल सो मच टू इवन गेट टू नो

ट कि आपके जो सीनियर एक्टर्स भी हैं वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करते कि ये नए आए हैं इनको बताएं ज्यादातर टाकरा ही हो रहा होता है सो इट्स नॉट ना वेरी अनफेयर